नमस्कार, मैं रत्नेश्वर गिरी, म्यूजिक टीचर। मैं फिर से एक बार आपके सामने एक नया लेसन लेकर प्रस्तुत हूँ। ये नया लेसन शुरू करने से पहले हम लोग रिविजन थोड़ा देखेंगे, उसके बाद हम लोग नया लेसन की ओर बढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमने देखा था गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, जैसे कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीन कलाओं को मिलाकर संगीत कहते हैं। हमने पहले ये देखा था कि अपने हाथ के फिंगर के नाम, जैसे कि थंब फिंगर, पॉइंटर फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। और उसके बाद हमने देखा था कि फिंगर और स्वर का मिलाप, कौन सा फिंगर कौन से स्वर के लिए यूज होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन से स्वर को क्या कहते हैं, जैसे कि सा को षड्ज कहते हैं, उसको हम तर्जनी यूज करते हैं, रे को ऋषभ कहते हैं, उसको हम मध्यमा यूज करते हैं, मिडिल फिंगर यूज करते हैं, ग को गंधार कहते हैं, उसको हमने अंगूठा जो थंब फिंगर है वो यूज करते हैं, हमने देखा था। उसके बाद म को मध्यम, उसको तर्जनी इंडिस फिंगर यूज करते हैं, प को पंचम, मध्यमा मिडिल फिंगर यूज करते हैं, ध को धैवत कहते हैं, उसको अनामिका रिंग फिंगर यूज करते हैं, नी को निषाद कहते हैं, उसको अंगूठा थंब फिंगर यूज करते हैं, और लास्ट में जो सा है, सा को षड्ज कहते हैं, उसको तर्जनी यूज करते हैं, इंडिक्स फिंगर यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था एक हारमोनियम का डायग्राम या पियानो का डायग्राम, जो कीबोर्ड का डायग्राम होता है, उसमें से हमने सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा और कौन सा फिंगर कौन से स्वर के लिए यूज होता है ये हमने देखा था। हमने गायन स्वरों का परिचय अपने फिंगर के साथ ये देखा था। उसके बाद हमने देखा था स्वर अलंकार और पलटे। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कम से कम 20 अलंकार है, उसमें से हमने पहले लेसन में 8 अलंकार हमने देखा था, और 8 अलंकार पलटे, उसका नोटेशन और आकार ये भी हमने देखा था। तो आज इसका थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करेंगे, जो 8 अलंकार पहले लेसन में लिए थे उसका रिवीजन हम लोग ले लेंगे विद आकार के साथ। सा रे ग म प ध नी सा नी ध ब म ग रे सा। इसका आकार दूसरा अलंकार देखेंगे, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। इसका आकार हम लोग देखेंगे अभी, तीसरा अलंकार देखेंगे जो 3 स्वरों का ग्रुप होता है, सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा सा नी ध नी ध ब ध प म प म ग म ग रे गरे सा। इसका आकार हम लोग देखेंगे, आ आ आ आ आ आ आ आ चौथा अलंकार देखेंगे जो 4 स्वरों का ग्रुप होता है, स रे ग म रे ग म प ग म प ध नी
प ध नि स स नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे स। इसका हम लोग आकार देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे पांचवा अलंकार जो पांच स्वरों का होता है। स रे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नि म प ध नि स स नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे स। हम लोग इसका आकार देखेंगे। आ अभी हम लोग सिक्स वाला अलंकार देखेंगे जो छह स्वरों का होता है। स रे ग म प ध रे ग म प ध नि ग म प ध नि स स नि ध प म ग नि ध प म ग रे ध प म ग रे स। अभी हम लोग इसका आकार देखेंगे। आ हम लोग अभी सातवां अलंकार देखेंगे जो सात स्वरों का होता है। स रे ग म प ध रे ग म प ध नि ग म प ध नि स स नि ध प म ग नि ध प म ग रे ध प म ग रे स। स रे ग म प ध नि रे ग म प ध नि स स नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे स। हम लोग इसका आकार देखेंगे। हम लोग अभी आठवां अलंकार जो आठ स्वर का होता है ये देखेंगे। स रे ग म प ध नि स स नि ध प म ग रे स। इसका आकार हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट हमने पहले लेसन में ये जो आठ अलंकार पलटे देखे थे उसका हमने अभी एक रिवीजन के टाइप में लिया।